रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशरिक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुलेखा नासिर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। कोरोना वायरस के चैलेंज से मुअसर तौर पर निपटने की हिकमत अमली में जदीद रिसर्च और आलमी इदारे सेहत के प्रोटोकॉल से रहनुमाई ली जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए खसूसी फंड्स कायम कर दिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि वो सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी का एहतराम करते हैं, लेकिन वो सईद गनी को तजवीज़ देंगे कि वह बलूचिस्तान और तफ्तान के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कोरोना वायरस के चैलेंज से मुअसर तौर पर निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली जदीद रिसर्च और आलमी इदारे सेहत के प्रोटोकॉल के मुताबिक हिकमत अमली की तैयारी और कोरोना वायरस के नतीजे में समाजी और माशी शोबों पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लेने की हदायत की है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस के चैलेंज से मुअसर तौर पर निपटने की हिकमत अमली में जदीद रिसर्च और आलमी इदारे सेहत के प्रोटोकॉल से रहनुमाई ली जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का इजलास का खिताब कोरोना वायरस के नतीजे में समाजी और माशी शोबों पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लेकर महकमा खजाना रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हदायत है कि क्वेटा के करंटीना में मौजूद तमाम ज़ायरीन के फौरी टेस्ट यकीनी बनाए जाएँ और मुस्बत टेस्ट आने वाले शख्स को आइसोलेशन रूम में मुंतकिल किया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के हवाले से फौरी तौर पर हेल्पलाइन डेस्क कायम किया जाए। वज़ीर आला की हर ज़िले का कोरोना वायरस प्रोफाइल तैयार करने की भी हदायत। 4 टेस्टिंग मशीनों के जरिए कोरोना वायरस टेस्ट करने की इस्तेदाद में इजाफा किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए खसूसी फंड्स कायम कर दिया। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के अराकीन असम्बली अपनी एक माह की तनख्वाह फंड्स में देंगे। तवक्का है कि 20 और इससे जायद ग्रेड के अफसरान, रजाकार तंजीमें और इमदादी इदारे भी फंड्स में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि वो सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का एहतराम करते हैं, लेकिन वो सईद गनी को तजवीज़ देंगे कि वो बलूचिस्तान और तफ्तान के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आला ने कहा कि तफ्तान में ज़ायरीन की रिहाइश के लिए खैमे लगाना ही वाहिद तरीका था। तफ्तान एक दूर अफ्तादा इलाका और सहरा है, सखर लड़काना नवाबशाह की तरह कोई शहर नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कोरोना वायरस के चैलेंज से मुअसर तौर पर निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली जदीद रिसर्च और आलमी इदारे सेहत के प्रोटोकॉल के मुताबिक हिकमत अमली की तैयारी और कोरोना वायरस के नतीजे में समाजी और माशी शोबों पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लेने की हदायत की है। जबकि वज़ीर आला ने अवाम की सहूलत और कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर का शऊर उजागर करने के लिए फौरी तौर पर हेल्पलाइन डेस्क के क़याम की हदायत भी की है। कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आला सेक्रेटरीट में कायम कंट्रोल रूम के अफसरान के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि वज़ीर आला सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम के क्याम का मकसद कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम और कोशिशों को मजबूत बनाना और मुतल्लिका इदारों को भरपूर मावनत की फराहमी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरिक़ hd.tv और देखते रहिए मशरिक न्यूज़।